अजमा बीबी जो 9 मई में इमरान ऐसा के ही है। साथ या किसी बड़े सियासी लीडर के साथ तो मुकदमा बनना है वो तो बनेगा, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे वो एक जर्नलिस्ट इमरान रियाज पकड़ा हुआ है, कुछ फिर वो ख्वातीन हैं जो पीटीआई की उस दिन की गिरफ्तार है, उसके मामले में आप लोगों को कुछ रोल अदा करना चाहिए, वहाँ कुछ नरमी का कोई पार्डन का रवैया होना चाहिए, इमरान की रिहाई के लिए उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, करना नहीं चाहिए? देखिए मलिक साहब, अगर तो उन्होंने हमारा कोई कसूर किया हो, वो कर ही रहे थे ना। ये वो जो खवातीन है वो क्या क्या जबान पार्क के बाहर बैठ के इस्तेमाल नहीं करती थी, वो डंडे पकड़ के आओ आ सकते हो तो, और पता नहीं क्या क्या। और इमरान रियाज साहब वो तो बाकायदा एक्सपोज पर्सन थे पीटीआई के, वो हमारे खिलाफ़ बहुत कुछ करते रहे। हमने कुछ कहा, हमने कभी इनको कोई नुकसान पहुँचाया। अब जो उन्होंने किया है, मुझे नहीं पता इमरान रियाज साहब कहाँ हैं, उनकी क्या सिचुएशन है। लेकिन ये 9 मई के वाक़या देखिए ना, एक तरफ वो लीडर है जो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मेरे कारकुनों ने किया है, उनके ऊपर ज़रूर केस चला ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी तरफ वो कहता है कि मुझे पकड़ेंगे तो फिर वो कारकुन यही करेंगे ना, उन्होंने यही करना है। बगावत किसको कहते हैं मलिक साहब? इसके अलावा बगावत क्या हो सकती है इस मुल्क के अंदर? यानी अगर ये जुर्म नहीं है और इसको बहुत लाइटली ले लेना चाहिए, तो फिर बगावत किसको कहते हैं? बगावत क्या होती है? अब ये जो बच्चे सारे जिनकी जहन साजी की गई, जो डर्टी हैरी सुनते सुनते, जो जो है मीर जाफर भी सादिक सुनते सुनते, जो इनको जो है इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको मारेंगे, इनको फलाना करेंगे, ये करते करते, और वही सारी बहनें जो हैं वो ललकारती हुई, फौज के खिलाफ गालियाँ देती हुई, वो करती हुई, वो जो कोर कमांडर हाउस तक पहुँची, वो उन्होंने वहाँ जाकर जो किया और करवाया, उसको और क्या नाम दूं? अगर वो बगावत नहीं है फिर इसका मतलब है कि खुली छुट्टी होनी चाहिए। क्या सियासी लीडर इस मुल्क में पहले कभी पकड़े नहीं गए? क्या सियासी लीडरों को जो है इस मुल्क के अंदर फांसियां तक नहीं हुई? उनको जिला वतन नहीं किया गया? उनको उम्र कैदों की सजाएं नहीं मिली? कभी किसी पोलिटिकल पार्टी ने किया? नो, बिकॉज ये माइंडसेट की बात है। अब 20 शहरों में इकट्ठे एक ही वक्त में हर बंदा जो है वो कैंट की तरफ चल गया, ये कोई इत्तफाक है? उन बच्चों को जो है वो कोई उनके ऊपर कोई जो है वो किसी का नाजिल हुई थी कोई चीज़ जो उन्होंने कहा कि जी हाँ हमें सबको एक जगह जाना चाहिए? फिर अस्करी टावर, उसके नाम के साथ अस्करी लगा हुआ था सिर्फ, और वो एक जो है वो फाइनेंशियल टावर था, उसके ऊपर जाके आग लगा दी। शादमान जो पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर जाके आग लगा दी। मतलब पूरी पूरी देखिए बगावत क्या होती है मलिक साहब। बगाव अगर इनकलाब जो है वो सक्सेसफुल हो जाए तो जो वो इनकलाब होता है, और जब वो सक्सेसफुल ना हो फिर वो बगावत होती है। क्या इमरान खान ने आसिम मुनीर की समरी पे खेलना नहीं था प्रेजिडेंट अलवी के साथ मिलके? क्या इसी समरी को रोकने के लिए जो है वो गोली का ड्रामा करके फिर लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद जाके बैठ नहीं गए थे, और जो है वहां जाके फिर कहा मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा? हर एक वो काम किया जिसके जरिए मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती, जिसके अंदर मुल्क में फौज के खिलाफ बगावत पैदा होती। और वो देखे ना रैंक एंड फाइल की वाली जो बात है जो शहबाज गिल ने की थी, उस बात में और जो 9 मई को हुआ उसमें फ़र्क क्या है बताइए? सेम वही चीज़ नहीं है, और वो करवाने की कोशिश नहीं की गई। वो तो एक अल्लाह का शुक्र है कि कम अज़ कम एक इदारा डिसिप्लिन इस मुल्क में मौजूद है कि जो डिसिप्लिन की वायोलेशन जो है वो बर्दाश्त नहीं करता और नहीं करनी चाहिए। मेरा भी बहुत, मैं मेंटली हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल जो है वो उसके खिलाफ रही हूँ, मेरी एक बड़ी स्टैंड है इस उसके ऊपर, लेकिन मेरी फौज है, मेरा इदारा है, मैं घर में बैठ के जो मर्जी बात कर लूँ, मैं उनके साथ आर्गूमेंट भी करूँगी, मैं उनकी तनकीद भी करूँगी, लेकिन मैं जाकर जो है वो GHQ को आग लगाऊंगी? नहीं हो सकता। मैं जाके शोहदा की कब्रें जो है वो उनके यादगारें जला दूंगी? नहीं हो सकता। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं नहीं कर सकती। जो इसके बाद जो इंप्रेशन गया पूरी दुनिया में, जो इंडिया ने शादिया नहीं भैया, उन्होंने कहा नहीं कि जो काम हम नहीं कर सके करोड़ों रुपए रॉक पे लगा के अरबों रुपए, वो इमरान खान ने जो है वो 2 दिन के अंदर करा दिया 9 और 10 मई। शोएब साहब से कमाल पूछते, बात है। फिर 9 और 10 मई शोएब को साहब, जो है इन तमाम चीजों के आप बाद लोग एक जहां वो अंडर कस्टडी थे क्रिटिकल उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, बहुत सारी ये रिकॉर्डिंग मौजूद है, बच्चे बता रहे हैं हमें किस तरह कहा गया था वहां जाने के लिए, जो बच्चे अंडर अरेस्ट है वो सजा भुगते, लेकिन इमरान खान को सजा शोएब ना साहब दी से जाए। पूछ ले, क्यों जी? शोएब साहब एक पॉलिटिकल डायलॉग का काम शुरू करिए ताकि इन लोगों की, जिन लोगों ने गलती की है, क्योंकि सज़ा GHQ पे आग लगाना या कोर कमांडर हाउस पे चढ़ाई कर देना बहरहाल एक जुर्म वाला काम था, उनको पार्डन करने के लिए कोई राह हमवार करें, कोई देखें पहली पॉलिटिकल बात तो डायलॉग ये, शुरू करें। देखें आपकी बात से मैं सोफी से इत्तेफाक करता हूँ। जो मैडम फरमा रही है ना, इनको कहो कल नवाज शरीफ वाला ज़रा बयानिया भी उठा लें। एक तरफ तो आप गालियाँ देते हो नाम के, और आज आप उनकी नाम जब बपता जपते हो कि जनाब जब जब ये कल जाएंगे फिर इनका नाम भी आप उसी तरह लोगे। आपका कोई दोहरा मेयार आप मतलब अपना मियाँ ख़त्म साहब ने तो करें, आप कमाल उनके किया ना, स्पोक्स पर्सन ना मियाँ बने, साहब कहते थे जनरल बाजवा स्पोक्स और पर्सन जनरल ना बने। फैज़ सारे काम के जिम्मेदार हैं, आप कि जनरल बताएं फिर बाजवा को पुलिस एक्सटेंशन को, दी,
अब शाबाशियां दी शहबाज शरीफ ने, और और फिर अब उसके वो बाद कहते हैं कि नहीं 17 और 18 में जुर्म किया, 19 में कहते हैं कि इनको एक्सटेंशन दो, और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट, उन्होंने कहा था पहले ले लो, लेकिन हमने कहा दोनों हुकूमतें हमें एक ही दफ़ा दो। ये तो इनका दौरा में यार है, और ये अपनी बातें कहते हैं, और आज बयानिया नया डेवलप करने की कोशिश करते हैं। देखें पॉलिटिकल डायलॉग सर, पॉलिटिकल डायलॉग मस्ट है इस वक्त, आपका मुल्क मुझे तबाही के दहाने में दीजिएगा गिर मलिक साहब, चुका है। प्लीज दो जुमले ये कहने जो का। 16 महीने इन्होंने तबाह व बर्बाद इस मुल्क को कर दिया, पीडीएम की फाशिस्ट जमातों ने, और शहबाज शरीफ जिसके सुरखेल थे, जो ये कहते थे कि मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हूँ, मुझे आप फ़ख्र कहता है रहे कि हो ये फ्लाई ओवर भी जो है ना, इनकी मेहरबानी के बगैर बन ही नहीं सकता जनरल था, बाजवा की भी उसने उन्होंने तारीफ की। तारीफ की, और आज वहाँ खड़े होकर तो उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये दोहरा मेयार या इस तरह की कंट्राडिक्शन, और आप कहें कि हम मुल्क को संभाल लेंगे और चला लेंगे, मुल्क को तबाही तक पहुँचा के ये भाग गए मुल्क छोड़ के, साकदार हो या ये हो। अब इसका हल वाहिद ये है कि तमाम सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स इस मुल्क के ऊपर रहम करें, इस मुल्क की किस्मत पे रहम करें, फ्री फेयर इलेक्शन कराएं। ये जो गुमशुदगियां हैं, मिसिंग पर्सन हैं, या एक पार्टी को क्रश करने के लिए हर तरीका और हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे क्या होगा? इस अनसर्टेन आज कैफियत एशियन में, डेवलपमेंट बैंक इस की एक जबर, रिपोर्ट और आई है, उन्होंने भी ये कहा है कि स्मूथ इलेक्शंस जो है पाकिस्तान वो की आधे इकोनॉमी को मसाइल बेनिफिट आपके, करेंगे। अच्छा, शाह साहब से और पूछें, इस टाइम थोड़ा रह गया। अनसर्टेनिटी को शाह आप साहब, नहीं पीपल्स खत्म पार्टी करेंगे, आमतौर आपका पर मुल्क ये नहीं चलता। इनिशिएटिव लेती है, ये बातचीत वाला, मुजाकरात वाला, मुफाहमत वाला, तो आपको जरदारी साहब को इस मामले में कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मुल्क में थोड़ी सी ये जो दुश्मनियाँ वाली फ़िज़ा है ना, एक पोलराइजेशन थोड़ी कम हो जाए, अच्छा माहौल थोड़ा पैदा हो जाए। देखिए, मेरा उसमें ये मौकफ है कि जो जहन साज हैं, जो असल लोग हैं, उनको तो बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो लोग जो मासूम लोग, जिसमें ख्वातीन भी हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं, दूसरे लोग हैं जिनको उकसाया गया और वो उनकी जहन ने काम नहीं किया, अब उन्होंने भुगत लिया है काफ़ी, उनको एक माफ़ी का चांस मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग मनसूबा साज हैं, जिन्होंने इन बच्चों की, इन ख्वातीन की जहन साजी की इस हद तक जाने में, उनके लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है आप चाहते हैं कि इमरान तो अंदर ही रहे, डिस्क्वालीफाई भी हो जाए और जेल भी हो जाए, तो बाकी जमात जो है उसको इलेक्शन वेक्शन लड़ने जी दिया जाए, ये देखिए, सोचा है आपकी? जो 9 मई के जो भी नहीं, उसके लोग बावजूद हैं आपके लिए जिन्होंने लेवल उस तरह प्लेइंग का फील्ड हो किया, जाएगा, फिर आप हमने इलेक्शन जीत पहले भी जाएंगे। वजाहत की है। देखिए, हमने पहले भी वजाहत की है कि वैसे पॉलिटिकल डायलॉग हर किसी के साथ होने चाहिए। या किसी ने बातें जैसे की थी कि जी पीपल्स पार्टी का कोई राबता या कोई आगे का अलायंस पीटीआई के साथ हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो रवैया इन्होंने रखा और फिर उस पर आज भी डटे हुए हैं, तो ऐसे लोगों हम के साथ कौन तो सा कभी आपको कह बात रहे हैं कि नहीं हो हमारे सकती साथ आ हमारी। जाएं? हम कह रहे हैं पॉलिटिकली फ्री तौर एंड पर फेयर इख्तलाफात इलेक्शन के होते लिए हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह पे बिल्कुल बैठ के फ्री, इस बात पे देखें वन पॉइंट फ्री एजेंडा और पे आ फेयर जाएं, इलेक्शन फ्री एंड बिल्कुल फेयर इलेक्शन होने करा दें। चाहिए, ये कैसा निजाम है कि आपके बिल्कुल शहर होने में उस्मान चाहिए। डार उठाया जाता है, वो गायब है, किसी अदालत में पेश नहीं हुआ, आपके मिनिस्टर देखिए, कहते हैं कि जी उसके खिलाफ वारंट था, इसका मतलब है कि वो गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार होकर आप किसी